साथियों आप सुन रहे हैं CMS कम्युनिटी रेडियो पर कार्यक्रम विश्व वॉइस। और साथियों आज का CMS विश्व वॉइस लेकर एक बार फिर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त हर्ष। और आज विश्व वॉइस में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी स्टूडेंट से जिन्होंने सुपर ब्रेन डेवलप किया है। हम सभी के पास ब्रेन है और हम अपने ब्रेन का कुछ भाग ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल की स्टूडेंट आराध्या अग्रवाल हैं। आराध्या ने अपना ब्रेन कुछ ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिसेस के चलते अपने गुरु की ट्रेनिंग से सुपर ब्रेन में कन्वर्ट किया है, यानी के अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को सुपर ब्रेन बना दिया है, जिसकी वजह से आराध्या के पास ऐसी पार है कि वो अपनी आंख पर पट्टी बांधकर कुछ भी पढ़ लेती हैं, किसी भी शख्सियत के बारे में बता लेती हैं और अपने ब्रेन का एक सामान्य आदमी से ज्यादा इस्तेमाल करके इस दुनिया और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो हमारे साथ हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यूनाइटेड वर्ल्ड कैंपस से आराध्या अग्रवाल। माय नेम इज आराध्या अग्रवाल फ्रॉम CMS यूनाइटेड वर्ल्ड कैंपस। आई स्टडी इन क्लास 5A। तो आराध्या हमारे साथ हैं CMS यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल से और विश्व वॉइस कार्यक्रम में आज हम आराध्या से बहुत सारी बातें करेंगे। आराध्या, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लगता है आपको, पढ़ाई लिखाई या कोई और भी शौक है आपका? आई लाइक ड्रॉइंग एंड क्राफ्ट। ड्रॉइंग एंड क्राफ्ट, यस। उसके अलावा क्या है, कोई और आपने विधा है जो डेवलप की है? माइंड रीडिंग करती हैं आप या मैजिक दिखाती हैं आप? No, not something like magic, but I have learned mid-brain in which I can do anything with a blindfolded eyes. Okay. It's just an art of blindfolded eyes. From whom you have learned it? I have learned this from my mentor Chintamani Kaushik. He lives in Kaleva at Parangat, Indra Nagar. I have learned. अच्छा आराध्या, अब ये बताइए ये कैसे आपके मन में आया कि आपको इसको सीखना है? Who inspired you? Your father, your mother? Once I went with my parents to my uncle's house. There, my brother showed me this ability. So I was very excited and thought to take this ability in myself. तो अगर हम इस वक्त आपसे ये करवाना चाहें, बहुत सारे listeners आपको सुन रहे हैं, out of India भी सुन रहे हैं, तो क्या आप अभी कर सकती हैं? Yes, sure. अच्छा, कैसे? आप आंख बंद करेंगी और क्या बताएंगी आप? I'll put a blindfold on my eyes and whatever you will give me, for example, if you give me a currency note, so I'll be able to tell its unique number and also I'll be able to tell of how many rupees is that note. Also, if you will give me your mobile phone, whatever the picture is there in the mobile phone, I'll be able to feel and tell what the picture is and if there is something written on it, so I can even read that thing. I have also ability to read with my toes. Okay. अच्छा, बहुत मतलब हमें सुन के बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि हम जल्दी से आपसे ये करवाएं, लेकिन इससे पहले बताइए अगर हम कागज़ पे कुछ आपको लिख के दें तो भी आप उसको पढ़ लेंगी? Yes, sure. तो हम आपको कागज पे कुछ लिख के देते हैं। okay. ठीक है, उससे पहले हम आपसे फिर इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहेंगे। जब आपने इस आर्ट को सीखा तो कितना वक्त लगा आपको? माय एबिलिटी स्टार्टेड टू कम इन 2 days, बट टू बी वेरी गुड इन दिस आई टुक 2 months. यू टुक 2 months? 2 months, but only 12 to 15 classes, as the classes used to be on only Sundays. अच्छा, classes में क्या क्या सिखाते थे? Classes में मतलब वो सबसे पहले जब हम लोग जाते थे तो हम लोग कुछ फिंगर की एक्सरसाइजेस करते थे और मेरे जो मेंटोर हैं चिंतामणि कौशिक, he used to make us sleep and मतलब वो एक म्यूजिक थेरेपी चलाते थे जिससे ये पावर इन्हांस होती है. अच्छा, तो वो म्यूजिक थेरेपी आप अपने घर पे भी चलाती थी जब प्रैक्टिस करती थी? नो,
not at home, but in the classes he used to play, as it is a special music designed for this purpose. So, ये एक बहुत बड़ा साइंस है. हमारे साथ आराध्या अग्रवाल हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल की स्टूडेंट हैं और क्लास 5th में पढ़ती हैं. और अभी इस उम्र में इनके पास इतना बड़ा हुनर है कि आंख बंद करके बता सकती हैं कि हमारे मोबाइल फोन पे कौन सी पिक्चर है या हमने कागज पे क्या लिखा है. और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है श्रोताओं. लेकिन क्योंकि हमारे साथ आराध्या हमारे स्टूडियो में है और अब हम आराध्या से एक पेपर पर आराध्या को कुछ लिख कर दूंगा मैं, और उसके बाद आराध्या उसे आंख बंद करके बताएंगे उस पर क्या लिखा है. राइट. सो अब हम श्रोता भाइयों देखेंगे आराध्या का ये जो प्रैक्टिस उन्होंने की है माइंड को रीड करने की और चीजों को आंख बंद करके बताने की. इसके बारे में आराध्या की आंखों पर एक कपड़ा बांधा जा रहा है, बांध दिया गया है, जो कि बहुत ही मोटे कपड़े की बनी हुई एक काले रंग की पट्टी है. और इस पट्टी की जांच मैं कर चुका हूं, इसके आर पार कुछ नहीं दिखता. इसमें लिखा है सुपर ब्रेन. सुपर ब्रेन इस पर लिखा हुआ है, सुपर ब्रेन. तो चलिए हम एक ये पीस ऑफ पेपर है जिस पे हमने कुछ लिखा है और ये अब हम आराध्या आपको दे रहे हैं. ठीक है. It's a white color sheet and on it something in English, even in Hindi, is written. Topic selected in CMS Vishwa Voice. Is there any topic that has impressed everyone? And इस पेपर के पीछे क्या लिखा है वो भी आप पढ़ सकती हैं. Something in Hindi is written. Jai. जय जगत. ग्रेट भाई आराध्या, हम बहुत हैरान हैं और हम बहुत खुश हैं कि आपने इतना अच्छा अपना ये डेवलप की है स्किल, अपनी सुपर ब्रेन की इसको कहते हैं क्योंकि आपकी इस स्ट्रिप पे सुपर ब्रेन लिखा हुआ है. तो हम आपको कोई नोट भी दे सकते हैं. okay. उस नोट का नंबर भी आप पढ़ेंगी. okay. ठीक है. और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल की स्टूडेंट हैं आप, और अब हम आपको एक नोट दे रहे हैं. ठीक है. ये नोट आप पकड़िए. It's a 20 rupees note and the unique number of this note is 21V616166. Let me check. Yes, very correct and I salute you. आपके इस टैलेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ. आपके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं. अब कुछ सवाल इसी से जुड़े हुए जो बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहते हैं. अगर कोई इस तकनीक को, इस अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, उसे क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सम म्यूजिक थेरेपीज एंड फिंगर एक्सरसाइजेस टू ऑब्टेन दिस एबिलिटी एंड ऑल्सो द फिंगर एक्सरसाइजेस व्हिच एवर आवर मेंटोर विल टेल वी हैव टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. अच्छा, मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे लगातार इन एक्सरसाइजेस को करना होगा. yes. अब ये बताइए आराध्या, कुछ मेडिटेशन वगैरह आप पहले से करती हैं? नो, नॉट समथिंग लाइक दैट. कुछ नहीं? नो. अच्छा, अब मैं एक बड़ा पर्सनल सा सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ खाने पीने का भी आप ध्यान रखती हैं इसके लिए? नो, बट इन स्टार्टिंग वन वीक आई हैड टू अवॉइड सम means cold things like ice cream or cold drink like that. Achha, iske piche kya wajah hai? Means main the thing in this is to smell the things and if I'll eat ice cream or drink cold drinks, so I'll be having cough or means cold, so it will not help me in taking this ability. Okay. So Aradhya, super brain. Now you are having a super brain. Yes. How will you utilize this super brain for society? अभी तक आपने इसको कितने लोगों के सामने प्रेजेंट किया है? मैंने इसको मतलब
ऑलमोस्ट अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ किया है. एंड माई मेंटोर टुक मी टू अ स्कूल ऑफ सीतापुर अग्रवाल पब्लिक कॉलेज. देयर आई गेव अ डेमोंस्ट्रेशन. उस डेमोंस्ट्रेशन में क्या था आप हमारे लिसनर्स को बताएंगे? तो उसमें हम लोगों को कुछ कार्ड्स मिले हैं, मेरे मेंटोर ने हम लोगों को दिए हैं कुछ कार्ड्स. वो उन्होंने पूछे थे और कुछ करेंसी नोट्स थे जैसा आपने अभी किया है. एंड many people came in front of me, I scanned them and told. And मैंने अपने toes से एक newspaper read किया था. अच्छा आराध्या, अब एक बहुत important सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ. बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी आपको सुना है, देखा है, उन सब के मन में भी ये एक इच्छा होती होगी कि क्यों ना हम भी ये स्किल सीख लें. yes. और ये स्किल बहुत फायदा हमें पहुंचाएगी अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, लोगों को पहचानने में. yes. तो क्या सब लोग सीख सकते हैं इसको? नो, इस एबिलिटी को पाने के लिए एक एज लिमिट है 5 to 15. 5 to 15. yes. अच्छा, वैसे ये क्यों है एज लिमिट, अगर कोई साइंटिफिक इसका रीजन है? हाँ, एक है, मींस वी ऑलमोस्ट यूज आवर लेफ्ट ब्रेन टू लर्न और डू एनीथिंग, बट वी हैव अ राइट ब्रेन टू. सो दिस एबिलिटी टू मींस एनहांस आवर राइट ब्रेन हैज अ लिमिटेड एज 5 to 15. आराध्या, मैं बहुत आई एम अमेज्ड, आश्चर्यचकित हूँ मैं. आपने इस तरह से चीज़ों को बता दिया मेरे सामने, आपने नोट का नंबर बताया और ये सारी चीज़ें बताईं. अब ये बताइए आपकी डेली रूटीन क्या है? कोई स्पेशल रूटीन आप फॉलो करती हैं रोज़, या सब बच्चों की तरह से उठती हैं और वैसे ही? नहीं, मैं सब बच्चों की तरह ही उठती हूँ, कोई स्पेशल रूटीन तो नहीं है. बट आई हैव टू गिव सम टाइम टू माई फिंगर एक्सरसाइजेस इन अ डे. फिंगर एक्सरसाइजेस इन अ डे? यस. अच्छा, अगर कुछ वक्त के लिए आप ये एक्सरसाइजेस रोक दे किसी वजह से, तो क्या ये सुपर ब्रेन की एबिलिटी वापस चली जाएगी, कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर बहुत टाइम के लिए लीव कर देंगे तो ऐसा शायद हो सकता है. अच्छा, इस वजह से आप इसको रेगुलर करती हैं? यस. स्पोर्ट्स में कुछ आप गेम्स वगैरह खेलती हैं कुछ और? Yes, I play outdoor games in the evening with my friends. अच्छा, तो आपसे तो कोई झूठ बोले नहीं सकता क्योंकि आप तो सब कुछ पहचान लेती हैं, देख लेती हैं, ऐसा होता है घर में? No, I can't read anybody's mind, but something present in front of me, I can do that. Okay, लेकिन ये भी एक बहुत बड़े कमाल की बात है. बड़े होके क्या बनना चाहती हैं आप? I have not yet decided something what I have to become, but my parents say that I, first of all, I have to be a good human being and serve my country. Your parents are so great giving you this type of teachings. Will you say something about City Montessori School? You have recently attended one function here, event here. Yes, in City Montessori School, I get many opportunities to participate in many competitions. And City Montessori School helps to enhance whatever we are good in. We should have a lot of peace in our country, because if we will be having wars, we will be not able to survive in our country. Achha. Aradhya, now tell me, does your super brain prove helpful in your exams too? Yes, it helps to achieve good marks, and some abilities are like mera learning power jo hai, matlab पहले मुझे बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब मेरा वो टाइम लिमिट कम हो गया है. और मैं हर मतलब सिचुएशंस में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी पॉजिटिव, एंड माय हैंडराइटिंग हैज इंप्रूव्ड एंड माय ड्राइंग पार्ट इज वेरी वेरी गुड नाउ. वेरी गुड नाउ. यू कैन इमेजिन बेटर देन अस. यस. ओके. फिल्म्स वगैरह, मूवीज, टेलीविजन, वीडियो गेम्स, यू डू, यू प्ले ऑल दीस थिंग्स, वॉच मूवीज? Not movies, but some cartoons I watch. Some cartoons, not video games. No, not such video. Would you like to give any message to the listeners जो regular mobile phone के video games खेलते हैं, कुछ कहेंगे उनके लिए आप? We should not watch too much of mobile, because when we watch too much of mobile, we forget that we have to do what we have to do. Our work we forget and just keep on watching mobile and. ओके, टेलीविजन. अच्छा आराध्या, अब एक सवाल और है जो थोड़ा सा हट के है, कि
कितना परसेंट ब्रेन हम लोग यूज करते हैं अपना, एक 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 लेमैन, एक आम आदमी? आई डोंट हैव सो मच ऑफ आइडिया फॉर दिस, बट लेकिन एक चीज बता सकती हूँ कि लेफ्ट ब्रेन जितना हम लोग यूज करते हैं उसमें जो भी हम लोग लर्न करेंगे वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा हमारे लेफ्ट ब्रेन से। लेकिन जो भी चीज हमारे राइट ब्रेन में आ जाती है वो फॉर अ लॉन्ग लाइफ टाइम रहती है। राइट ब्रेन में चीजों को लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होता है? टू ब्रिंग थिंग्स इन राइट ब्रेन we have to give a lot of attention to whatever we are doing and मतलब जानते होंगे कि जो बहुत सारे मतलब जो magicians या बहुत जो जानते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो उनका जो right brain होता है वो लोग अपना right brain ज़्यादा use करते हैं, इसीलिए मतलब वो लोग experts में जाने जाते हैं। हम थोड़ी सी बातचीत आपके parents से भी करेंगे क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा है आपको। yes. तो आराध्या के माता पिता, मदर फादर हमारे साथ हैं, पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत वेलकम सीएमएस विश वॉइस में। और उसके बाद ये किस तरह से मतलब आपके जहन में कैसे आया, आराध्या ने आपको कहा होगा या आपने कहीं से देखा होगा, फिर आपने इसको किस तरह से ट्रेनिंग करवाई, ये कहाँ से मन में आया? सर हम लोग एक फैमिली फंक्शन में गए थे, वहाँ पर हमारे फ्रेंड के एक बेटे ने को हमने देखा, वो ये एक्टिविटी कर रहा था। तब हम लोगों को लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक तरह से मैजिक लगा हम लोगों को ये। लेकिन हम लोगों ने इसकी जब इसके बारे में छानबीन की तो हमें लगा ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और आज के टाइम में हर बच्चे को ये करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर सर्च किया अपनी होम सिटी में, तो फिर हम लोगों को अपने घर के पास भी एक सेंटर भी मिल गया लकीली। तो हम लोगों ने इसको वहाँ पर बात की, हम लोगों ने इसको भेजा, तो इसका जो रिस्पांस आया वो हम लोगों को देख के वाकई मतलब हम लोगों को लगा कि एक हम लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है और बाकी मेहनत तो सिर्फ इसी की है, इस बच्चे की वजह से हम लोग आज आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मतलब कैसे आपने ढूंढा, मतलब इस तरह के जो ट्रेनर्स हैं वो कैसे, क्या इसका मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग सर्च नहीं कर पाते, काफी ऑनलाइन हम लोगों ने सर्च किया, उसमें कुछ ऐसे सेंटर भी मिले, हम लोगों ने काफी सेंटर विजिट किए, उसके बाद फाइनली मुझे मिस्टर चिंतामणि कौशिक जी मिले जिन्होंने बेटी को इस लायक बनाया कि आज हम आपके साथ बैठे। अच्छा सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे माता पिता बच्चों को अक्सर ये कहते हैं ना कि पढ़ो 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 पढ़ो, और बच्चे जो हैं कभी कभी मन नहीं लगता है तो कुछ और करने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो आराध्या के बारे में आपका क्या कहना है? इनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, आपको कुछ भी बताना आसान है, आपको कुछ भी कहना, तो ये सब कभी एज ए पेरेंट्स आपको दिक्कत फील नहीं होती है कि एक्स्ट्रा जानती हैं कुछ आराध्या? नहीं सर, अभी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हम नहीं कह सकते। पढ़ाई तो देखिए, पढ़ाई को कोई भी रिप्लेस नहीं करता, कोई भी चीज़ पढ़ाई को रिप्लेस नहीं कर सकती। बट हाँ, इनकी पढ़ाई में उसका उस चीज़ का सपोर्ट है, उस टैलेंट का सपोर्ट है। अगर अपने इस टैलेंट को ये सही जगह यूज़ करेंगी तो ये अपनी पढ़ाई में और आगे और अच्छे से बढ़ सकती हैं। लेकिन पढ़ाई के किसी भी कोई भी चीज़, कोई भी टैलेंट आपकी पढ़ाई को रिप्लेस नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। अच्छा सर, हम आपकी तरफ से भी एक एक मैसेज आपकी तरफ से और मैम की तरफ से अपने लिसनर्स के लिए चाहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको सुन रहे हैं और यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के जो उनकी हॉबीज़ हैं उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई की ओर कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ो, बच्चे में कोई टैलेंट है, स्किल है, आपने इस चीज़ को डेवलप किया, क्या कहेंगे आप उन माता पिता से? हाँ सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए पढ़ाई ज़रूर ज़रूरी है, लेकिन बच्चों में और भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं जिनको हम लोग शायद पढ़ाई के प्रेशर में उसको आगे बढ़ने नहीं देते या ध्यान नहीं देते। तो अपने बच्चों की एबिलिटी को पहचानिए और उनको सही जगह यूज़ करिए, उनको सही जगह अच्छी क्लासेस करवाइए जिससे वो हर फील्ड में आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल जो माहौल है वो सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, बच्चों के मतलब ये है कि बच्चे अपने टैलेंट से किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल मतलब आज के टाइम में लखनऊ में हर पेरेंट का एक सपना है कि उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे बच्चे मतलब ये है कि आराध्या में थोड़ा सा मतलब बोलने का एक तरीका होता है, एक कॉन्फिडेंस है कि आगे की अपनी सारी पढ़ाई 12th तक ये सिटी मॉन्टेसरी में ही करेंगी। बाकी वहाँ पर लोगों को बच्चों को बहुत अच्छे मतलब स्टेज दिया जाता है, बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई के साथ साथ लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है कि बच्चे अपने आगे के और मतलब हम लोगों को उस स्कूल के ज़रिए पता चलता है कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है,
शायद घर में हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए, लेकिन स्कूल में जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, टीचर्स का जो सपोर्ट होता है, और टीचर्स हमें बताती कि नहीं आपके बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, बच्चा आपके इस चीज़ में अच्छा है, तब मुझे पता चलता है कई बार कि हाँ मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, इस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। तो स्कूल का तो बहुत फ़र्क पड़ता है, और सिटी मॉन्टेसरी के मैं बहुत धन्यवाद हूँ, टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इतना आगे बढ़ाया। और इसका मतलब वहाँ पर स्कूल में भी जैसे बोर्ड होते हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा है, तो इसमें मतलब उनका नाम भी है ऑलराउंडर स्टूडेंट में, और फर्स्ट आती हूँ उसमें भी, तो उसमें टीचर और प्रिंसिपल का बहुत सपोर्ट है इनका। मैं मिसेज भारती गांधी मैम का विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले उनके पास मैं घर पे था, तो मेरा डिस्कशन हुआ ऐसे बेटी को लेके, उन्होंने इसमें बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाया, और आज उन्हीं की देन है कि उन्होंने स्पेशल डेमो लिया, सारी चीज़ें की, तो ये चीज़ आपके सामने आ पाई। मैं भारती गांधी मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड यू केम हेयर, यू स्पेयर सच ए ग्रेट टाइम फॉर आवर लिसनर्स, फॉर अस, थैंक यू सो मच। तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है आराध्या, और एक सुपर ब्रेन भी अपने पास रखती हैं, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, विशेष हैं आराध्या कि इसी तरह से आप सुपर ब्रेन का इस्तेमाल करें। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी आराध्या कि सुपर ब्रेन का इस्तेमाल एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप करेंगी। इसके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है सभी श्रोताओं को जो आपने दिया है, हम बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच आराध्या, यू विजिटेड आवर स्टूडियो फॉर दिस लाइव प्रोग्राम, एंड थैंक्स टू योर पेरेंट्स आल्सो। जय जगत एवरीवन।